जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि 2023 का साल किस चीज के लिए जाना जाएगा, यानी 2023 का साल प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि 2023 का साल लगने को है और उससे पहले ही पूरी दुनिया के हालात किस तरह के होने जा रहे हैं। दर्शकों, 2023 का साल हम सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखा करके जाने वाला है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो बीमारी हो, साइक्लोन हो, अर्थक्वेक हो या और किसी तरह से, 2023 के साल में प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर रहेंगी। और ये ऐसी समस्या होती है जिसका समाधान इंसान के पास होता ही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को रोकना इंसान के बस की बात नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक ज्योतिषीय आकलन मैं आप लोगों को जरूर देता हूं। इस बार जब शनि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 17 जनवरी 2023 को, उस समय पर 2 माह के लिए सूर्य उनकी ही राशि में रहेगा, जो ठीक नहीं है। ये किसी न किसी तरह के प्राकृतिक आपदाओं को आरंभ होने की तरफ इशारा कर रहा है। अगर बात इतनी सी होती तो चलिए छोटी मोटी कोई प्राकृतिक आपदाएं आती, कहीं पर भूकंप आता, कहीं कुछ सुनामी आती या कुछ अर्थक्वेक इस तरह के आते, लेकिन यहां पर बात इतनी सी नहीं है। इसके ठीक थोड़ा समय के पश्चात, यानी लगभग 1 माह का समय ही बीतेगा कि अप्रैल माह के अंदर ब्रह्मांड में फिर एक परिस्थिति का जन्म होगा और वो होगी गुरु चांडाल योग। 22 अप्रैल 2023 से लगभग 30 अक्टूबर 2023 तक ये ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग रहेगा, लगभग 6 माह का समय होगा। और गुरु चांडाल योग का मतलब होता है इंसान की बुद्धि का भ्रमित होना। अब इसे साधारण शब्दों में आपको समझाऊं कि आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, तो इसको ऐसे समझिए। कभी आपने बचपन के अंदर एक गेम खेला होगा कि आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और फिर कहा जाता है ढूंढो, तो कहीं से कोई आवाज आती है, हम उस तरफ देखना शुरू करते हैं। और वो खेल आपने देखा होगा बचपन में, बच्चे खेलते हैं। ये परिस्थिति ठीक इसी तरह की होगी जब इंसान की आंखों पर पट्टी बंधी होगी, उसे कुछ न दिख रहा होगा, न कुछ सूझ रहा होगा, और उसे अपने जीवन को चलाना भी होगा। यानी समय तो गतिमान है, वो तो अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन हमारा विवेक, हमारा ज्ञान यहां पर शून्य जरूर होगा। यानी प्राकृतिक तौर पर हम भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे और नेचर तो हमसे नाराज वैसे ही चल रहा है, तो प्राकृतिक आपदाएं भी अपनी चरम सीमा पर रहेंगी। इसीलिए 2023 का साल बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाएगा। और जनवरी फरवरी, यानी 17 जनवरी से लेकर के अगर मैं बात करूं तो लगभग 15 मार्च तक ये समय वैसे सूर्य और शनि की युति के कारण से दिक्कत करता है। उसके बाद में 1 माह का समय रहेगा रिलीफ देगा, उसके बाद में फिर 6 माह का समय ब्रह्मांड के अंदर गुरु चांडाल योग का बन रहा है, जो इस संसार के लिए कुछ मुश्किलें तो पैदा जरूर करेगा। दर्शकों, इसके साथ में एक बात मैं यहां पर और बताता हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये जो 2023 का साल होगा, ये हमें डराएगा ज्यादा, परिणाम उतने विनाशकारी नहीं होंगे लेकिन डराएगा ज्यादा। कहते हैं कि जंगल में आप कहीं जा रहे हैं तो छोटी सी आवाज भी आपको भयानक लगती है, चाहे बेशक वो आवाज आपसे बहुत दूर से आ रही है, कोई खतरा आपको नहीं है, लेकिन डर तो मन में पैदा होता है। ठीक इसी तरह से अगर संसार के अंदर कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा है, कोई परेशानी है, तो स्वाभाविक है कि परेशानी या ये डर सबको लगता है। जैसे आप कोविड के कारण से देख रहे हैं, परेशानी चाइना में है लेकिन डर हिंदुस्तान में भी आया हुआ है। हम लोग भी डरे हुए हैं, कहीं हिंदुस्तान में दोबारा कोरोना तो नहीं आ जाएगा। हालांकि इस पर मैं वीडियो दे चुका हूं कि ऐसी कोई संभावना भारत के अंदर नहीं बनेगी, लेकिन हां इतना जरूर है कि प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला तो हमें करना पड़ेगा। और आने वाले समय के अंदर, चूंकि अब नया साल भी बहुत जल्दी लगने वाला है, इसीलिए
किस राशि पर इसका क्या असर होगा, कौन सा माह किस तरह की घटनाओं के लिए जाना जाएगा, इसका भी आकलन मैं आपको अलग से वीडियो में दूंगा। लेकिन इस वीडियो के लिए बस इतना ही कि 2023 का साल प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाएगा और इसमें हम सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस पर हमारा नियंत्रण है ही नहीं। लेकिन एक उपाय ऐसा है जो प्राकृतिक आपदाओं से हमारी सुरक्षा करता है और वो है ईश्वरीय शक्ति का आवाहन। और ये चीज केवल हिंदू वर्ग के लोग जानते हैं, अर्थात हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग जानते हैं कि दैवीय शक्तियों का आवाहन कैसे किया जाता है। इसलिए एकमात्र वही तरीका है बचने का, उसके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं। इसलिए 2023 के अंदर डर भी रहेगा, माहौल भी खराब होगा, प्राकृतिक आपदाएं भी अपनी चरम सीमा पर होंगी, लेकिन इस समय को हमको फेस तो करना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।